नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत ने किए वियतनाम के साथ रक्षा आईटी समेत 12 समझौते। भारत देगा 50 करोड़ डॉलर का ऋण। शाम को G20 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी चीन के लिए होंगे रवाना। पेरिस जलवायु समझौते को चीन ने दी मंजूरी। वैश्विक तापमान को कम करने का है लक्ष्य। दुनिया में हानिकारक CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है चीन। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का ब्रेन हेमरेज से निधन। 78 वर्षीय इस्लाम करीमोव ने उज्बेकिस्तान पर 27 साल का किया था शासन। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने दी श्रद्धांजलि। बलूच नेता ब्रह्मदाग मुफ्ती को महंगा पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। पाकिस्तान ने इंटरपोल से मांगी मदद। मुफ्ती पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। फिलीपींस के दवाओ शहर में बम विस्फोट। 15 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा घायल। विस्फोट के पीछे मादक पदार्थ के कारोबारियों पर जताया जा रहा है शक। उत्तर कोरिया के हायोग प्रांत में भारी बारिश से आई बाढ़। 15 लोग लापता, 44,000 लोग बेघर, 17,000 से ज्यादा मकान हुए क्षतिग्रस्त। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।